का नाम लेके कयामत तक के इंसानों को समझाना चाह रहा हूँ, जाहिल अगर मेरा बाप काफिर होता मैं कुल्ले कुफर के सामने तो बाप का नाम न। फराज़े अर्श पे चढ़ता रहा इमरान का कलमा, बशर की सोच से बढ़ता रहा इमरान का कलमा। पढ़ा है या नहीं इमरान ने कलमा मोहम्मद का, मोहम्मद उम्र भर पढ़ता रहा। चार मिसरे हालात हाजरा पे एक सलाम, राजी रहिएगा कर्ज है आपका, जिंदगी है आप है मैं हूँ ये घर है इंशाल्लाह नौकरी है। शायर की मजबूरी होती है हमारा सब, हालात हाजरा पे कोई ना कोई उसका कलम तहरुक में आ ही जाता है। जिन हालात से हम अब भाई जन गुजर रहे हैं करबला में नजफ में इस वक्त जो हालात हैं, दिल मेरा बन गया चार मिसरे कहे मैंने, और जहां मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ तशरी करता हूँ दिल नहीं है कसरे मुतालिब में लाहौर में इतने एक क्लास मजमे में अपने रोज के सामईन में इसकी तशरी करूँ और फिर मुझे दाद मिल भी गई तो क्या है। मैं बगैर तशरी के दाद लेना चाह रहा हूँ। जली का नक्श जली दम कदम सताता है, मुझे तवज्जो करे आज, जली का नक्श जली दम कदम सताता है और गली गली में वफा का अलम सताता है। यहूदियों का नजफ पे यूं ही नहीं हमला, अभी तलक उन्हें खैबर का गम सताता है। आप जी यहूदियों का नजफ पे यूं ही नहीं हमला, अभी तलक उन्हें खैबर का गम। बशर की ताकत परवाज सोच सकती तो पूरे 16-17 मिनट की नौकरी के बाद हाथ बांध के अपील कर रहा हूँ, चौथे मिसरे तक मेरा हम सफर रहना है, मुझे यहाँ दाद न मिली कोई दुख नहीं होगा, बड़ी बड़ी दाद ले चुका हूँ मैं इसी जलसे में, मिन्नत कर रहा हूँ, ये बात सुननी जरूर है समझनी जरूर है और उसके बाद मैं सलाम पढ़ के नौकरी खत्म कर रहा हूँ। बशर की ताकत परवाज सोच सकती तो मैं सोचता हूँ अली सोचने में क्या लगता। नहीं लाहौर वालों मेरे साथ इंसाफ करो, जो बंदे जुबान हिला सकते हो वो सर नहीं हिलाओ, मेरे साथ इंसाफ करो, मेरा कलम दुखी हो जाएगा अगर ये चार मिसरे इतने बड़े दरबार में दाए हो गए। बशर की ताकत परवाज सोच सकती तो मैं सोचता हूँ अली सोचने में क्या लगता। नमाज तुम न पढ़ो तो तुम आदमी न लगो, अली नमाज न पढ़ता तो फिर खुदा लगता। नन्ना आइए और ज्यादा किबला में इसे और खोल देता हूँ। जिसका सलाम करने सेवन जिसके दरबार पे जाते हैं उस बादशाह ने क्या ऐलान किया, हैदरी हूँ कलंदरम मस्त हूँ, हैदरी हूँ कलंदर हूँ मस्त हूँ, बंदा मुर्तजा अली हस्तम, अली मुर्तजा का बंदा हूँ। बंदे का जो तर्जमा तुम्हें आता है तुम वही कर लो, मेरी इस पे कोई लड़ाई नहीं, अकीदे पे कोई समझौता नहीं, मेरी इस पे कोई लड़ाई नहीं। बंदे का जो तर्जमा तुम्हें आता है तुम लफ्ज बंदे का जो तर्जमा अपनी बंदगी में कर सकते हो वही कर लो, मुझे कोई गिला नहीं। ये कोई आम शख्सियत नहीं, सालकीन का रहनुमा है, आरकीन का सुल्तान है, जमीन की छत पे अलम लगा दी है इसने। चंद जाके देखो कोई गली अलम से खाली नहीं, घर घर में अलम लगवा दी है सुल्तान ने, और कायनात इंसानियत का वाहिद सुल्तान है जिसने अपनी माँ के लिए अपने बाप को मशवरा दिया है कि मेरी माँ कौन सी होनी चाहिए। जरा सा भी मुश्किल नहीं सुनते आप तो मैं क्या करूँ। हाँ हाँ क्या नाम है सरकार के वाले दिमाजिद का, सरकार इब्राहिम जवाबी, जानते हो जवाबी क्यों कहते हैं, दोस्तों के साथ करबला पहुंचे सड़क से सलाम किया सलाम अलैका या जदी दादा मेरा सलाम, दोस्तों ने कहा सुभान अल्लाह सलाम तो ऐसे कर रहा है जैसे हुसैन तुझे जवाब देंगे, कहा अगर आज हुसैन ने मुझे जवाब न दिया समझो मुझे जवाब होगा, जो उर्दू सुन लेते अगर हुसैन ने मुझे जवाब न दिया समझो मुझे जवाब होगा। कब्रे हुसैन पे पहुंचे सलाम किया सलाम अलैका या जद्दी दादा मेरा सलाम, अंदर से आवाज आई अलैका सलाम या बुनिया। सरकारी कलंदर के वालिद की बात कर रहा हूँ, सरकारी इब्राहिम जवाबी को बादशाह हुसैन ने जवाब दिया, उस दिन से जवाबी मशहूर हो गए, ये आंखें सलामत रहे अल्लाह करे ये मार्फत सलामत रहे, उस दिन से जवाबी मशहूर हो गए।
ठीक है, तय किया हुआ था, दोस्तों को बताया हुआ था मैं पूरी जिंदगी मुजरद रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। 7 दिन रहे, 7वीं सुबह उठे, नमाज सब पढ़ के दोस्तों से कहा वापस चलो मुझे शादी करनी है। दोस्तों ने कहा आपने तो कहा था मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, आज आपने ये कह दिया कि वापस चलो मुझे शादी करने का मजबूरी है। रात मैंने ख्वाब में एक बास को देखा है जिसने मुझसे कहा बाबा शादी कर लो मुझे दुनिया में आना है। रात मैंने ख्वाब में एक शाहबाज को देखा है जिसने मुझे कहा बाबा शादी कर लो मैं दुनिया में आना चाहता हूँ। ठीक है, बाबा हुसैन का हुक्म है और वो बाद मुझे कह रहा है शादी कर लो तो मैं वापस जा रहा हूँ। वापस पहुंचे मरवन, बस पहुंचे ही थे कि सुल्तान मरवन का बंदा आ गया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप दरबार में तशरीफ लाए। मुस्कुरा के फरमाया मुझे दरबार से कोई काम नहीं, जिसे काम हो वो मुझे मिलने आ जाए। सुल्तान खुद चल के दरवाजे पे आ गए और कहा जी मैं आपको अपनी बच्ची के रिश्ते की पेशकश करता हूँ। फरमाया ये तो पहली पेशकश नहीं है, हर जमाने में हमें लोग बच्चियों की पेशकश करते रहे, कोई तो मुझे समझो भी चाहिए मैं क्या करूँ। ये कोई पहली पेशकश नहीं है, हर जमाने के सुल्तान हमें पेशकश करते ही रहे हैं, कल जवाब दूंगा। वापस चले गए, वापस चले गए, जुमला आखिरी मगर कसरे बतूल और लाहौर के मिजाज का, कसरे बुतालिब और लाहौर के मिजाज का। लोगों ने कहा आपने कल जवाब देना है तो आज ही दे देते, फरमाया आज कैसे दे देता, अपने बेटे से आज रात मशवरा करूंगा, इसकी बेटी उसकी माँ बनने के काबिल है। अपने बेटे से मशवरा करूंगा, इसकी बेटी उसकी माँ बनने के काबिल है। अपने लिए आप माँ चुनने वाला, अपने लिए आप बाप का इंतखाब करने वाला, सालिकीन का सुल्तान, गली गली में अलम लगाने वाला, सेवन की नगरी को आबाद करने वाला, सिंध को अदादारी सिखाने वाला, सिंध को मातमदारी सिखाने वाला सुल्तान ऐलान कर रहा है हैदरी हम कलंदरम मस्तम, हैदरी हूँ कलंदर हूँ मस्त हूँ, बंदा मुर्तजा अली हस्तम, अली मुर्तजा का बंदा हूँ, पेशवाए तमाम रिंदानम, सारे रिंदों का पेशवा हूँ। क्यों? मैंने नमाजें बहुत पढ़ी है, मैंने रोजे बहुत रखे हैं, मैंने हज ढेर किए हैं, मैंने ज़कात ज्यादा दी है। ना ना खुले लफ्जों में कहा है पेशवाए तमाम रिंदानम, क्योंकि सगे कुए शेर यजदानम, अली बादशाह की गली का कुत्ता हूँ। आज के फजाइल का आखिरी जुमला, अली की विलायत अगर दिल में हो तो दिल से बोलना, वरना मेरा मुकद्दर, अली बादशाह की गली का कुत्ता हूँ। अपने लिए आप माँ चुनने वाला, बाप का इंतखाब करने वाला, शबे मेराज मोहम्मद को मिलने वाला, शाहबाज की सूरत में नूरी हवालों में रहने वाला, शाहबाज कलंदर कहलवाने वाला, गली गली में अलम लगवाने वाला, कलंदर सरदार, साफ लफ्जों में कह रहे हैं सगे कुए शेर यजदाना।